गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कल एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी, आज हम मैथ के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जो बुक का नाम था आपकी मैथ्स थ्री, उसका पहला चैप्टर था नोइंग अवर नंबर्स। तो उसी चैप्टर के लिए सबसे पहला टॉपिक जो हमने उठाया है वो लिया है हमने इंडियन नंबर सिस्टम। यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम, जैसे कि कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी मनी है, कोई भी वेट है, तो उन्हें हम एक नंबर्स में डिफाइन करते हैं। तो इंडियन सिस्टम में उन नंबर्स को हम नेम कैसे देते हैं, ये सब जानेंगे हम इसके अंदर कि कौन से हमारा जो है पीरियड प्लेस में कितने डिजिट होते हैं, कितने ज़ीरो होते हैं, कितने के बाद कॉमा लगता है, ये सब हम जानेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं इंडियन सिस्टम जो है वो चार पीरियड में डिवाइडेड है, 1000, लाख और करोड़। ठीक, वंस के जो पीरियड है उसके अंदर हमारे तीन डिजिट आते हैं, 1, 10 और 100। ठीक, जो हमारा 1000 वाला पीरियड है उसमें दो डिजिट, मतलब यानी कि हमारा दो प्लेस लेते हैं 1000 और 10000। लाख वाले में दो प्लेस लेते हैं, लाख और 10 लाख, और करोड़ में भी दो प्लेस लेते हैं, करोड़ और 10 करोड़। अब बात करते हैं इनके डिजिट कि वंस में कितने डिजिट होते हैं। वंस में डिजिट होता है ओनली 1, टेंस में होते हैं 2, 100 में होते हैं 3, थाउजेंड में होते हैं 4, 10,000 में होते हैं 5, लैक्स में होते हैं 6, 10 लैक्स में 7, करोड़ में 8 और 10 करोड़ में 9। अब बात करते हैं इनकी जीरोस की। जीरोस, वंस में कोई जीरो नहीं होता, 10 में 1 होता है, 100 में 2 होते हैं, 1000 में 3 होते हैं, 10,000 में हमारे होते हैं 4, और इसमें होते हैं हमारे 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो यानी कि हमने जाना कि 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 8। कई बार आपने देखा होगा कि आपके रिलेटिव्स हैं या कोई भी आपसे क्वेश्चंस करता है तो बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा तुम स्कूल में पढ़ते हो, बताओ इस नंबर में कितने जीरो होते हैं, इस नंबर में कितने डिजिट होते हैं। तो अगर आपको वो सब जवाब देना तो उसके लिए आपको ये टेबल काफ़ी हेल्पफुल रहती है, और नंबर नेम लिखने के लिए भी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6825430। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पीरियड निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें तीन डिजिट इंक्लूड रहते हैं, तो इसमें तीन डिजिट इंक्लूड के बाद हम लगा देंगे कॉमा। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये दो डिजिट है 1000 के पीरियड में, तो हमने यहाँ पर दो के बाद कॉमा लगा दिया। फिर हमने देखा 10 लाख में भी दिए, तो दो के बाद कॉमा लगा दिया। अब हम फर्स्टली इसके अंदर गिनेंगे डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने देखा 8 डिजिट। 8 डिजिट कहाँ होते हैं, हम आ गए यानी कि करोड़ में। यानी कि ये जो है इंडियन सिस्टम का हमारा नंबर, इसको हम करोड़ में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट वाला डिजिट है उसे हम लिख देंगे, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 6, हम इसे 6 लिख देंगे, और इसके आगे क्या लिखेंगे, इस कॉमा के लिए यूज करेंगे हम क्या, करोड़। तो हम लिख देंगे इसके आगे 6 करोड़। फिर हम देखेंगे दूसरा नंबर कितना लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर देखा करोड़ के बाद जो पीरियड आता है वो लैक का आता है, लैक में 2 नंबर, यानी कि 2 डिजिट यहाँ पर रखे हैं। इस नंबर का नेम क्या होता है हम जानते हैं, कोई बच्चा भी बता देगा कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 82। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 82। अब इसके आगे क्या लिखें, अब हमने देखा ये कौन से पीरियड में है, तो फर्स्ट फिर दोबारा से हम गिनते आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 डिजिट किसमें होते हैं, लैक, तो इसमें यहाँ पर ये वाला लैक में, तो हम इसका आगे क्या लिख देंगे, लैक। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे अगले डिजिट पर, इसमें बात होगी तो ये कितना लिखा हुआ है, कोई भी बता देगा कितना है, 54। हमने यहाँ पर 54 लिख दिया। 54 लिखने के बाद में हम वैसे ही गिनते आएंगे 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट किसमें होते हैं, 1000 में, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 1000। और लास्ट के जो 3 डिजिट बचे वो तो बिल्कुल बेसिक होते हैं, ये कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 के आगे लिखेंगे हम क्या, 100, और फिर लिख देंगे हम 10। तो ये हो जाएगा हमारा 3, 100, 10। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो हम एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम कोई भी एक जो है नंबर ले लेते हैं, थोड़ा मैं डालता हूँ उसे। जैसे कि हमने ये नंबर ले लिया 9, 2, 5, 6, 7, 8, 2, 1। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा हमने इनपुट कर दिया। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे हमारा फर्स्ट डिजिट जो कि कितने नंबर का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने देखा 8 डिजिट किसमें होता है, करोड़ में। तो पहले नंबर का 9 नाम लिख देंगे हम, 9, और लिख देंगे आगे करोड़।
फिर हम देखेंगे दूसरे जो कॉमा के बीच में कितना लिखा हुआ है, 25। और इसके आगे हम लिख देंगे कितना, 25 लैक, ये लैक हो गया। उसके बाद कितना है, 67, तो 67 लिखेंगे हम, 67 के आगे एज इट इज 1000 लिख देंगे। और फिर उसके आगे क्या लिखेंगे हम, 821, जो कि लास्ट थ्री डिजिट होते हैं वो तो कोई भी लिख सकता, 821। ओके तो स्टूडेंट देखिए, आपने फिफ्थ क्लास में भी किया होगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, इसके ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज सेंड करूंगा, वो आपको करनी है, ठीक। अब हम इसी वीडियो में थोड़ा आगे चलते हैं और हम समझेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, अभी आपने इंडियन सिस्टम पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा क्या है, वही वाली बात, पुराने हमारे जो है दो पीरियड पुराने हैं, दो पीरियड इसमें नए ऐड होते हैं, यानी कि इसमें भी चार पीरियड हैं, 1000, मिलियन और बिलियन, ये इसमें नए होते हैं। हमारे में लाख और करोड़ होता है, इसमें मिलियन और बिलियन होता है। बट इसमें एक चीज़ स्पेशल होती है, जैसे कि हमारे में 1000 में दो पीरियड दो प्लेस थे, इसके अंदर हमारे तीन प्लेस होते हैं, जैसे कि इसमें वंस तो वही सेम रहा, 1100, लेकिन 1000 में अब की बार 1000, 10000 और 100000 हो गया। मैंने इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, TTH का मतलब है 10000, HTH का मतलब है 100000, ठीक। अब नया पीरियड जो आता है हमारा मिलियन, इसमें भी तीन होते हैं प्लेस, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब आता है हमारा बिलियन, बिलियन में भी हमारे तीन पीरियड होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। एक इससे बड़ा भी होता है ट्रिलियन, लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। अब डिजिट की बात आती है, इसमें 1, 2, 3 आपने पढ़ा था, इसमें 4 हो जाएंगे, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10, इसमें 11, इसमें 12। यानी कि इंडियन सिस्टम में आपने जो पढ़ा था वो 9 डिजिट तक के नंबर पढ़े थे, बट इंटरनेशनल सिस्टम में आप 12 डिजिट तक के नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखिए इसमें जीरोस की बात आती है, तो इसमें कोई नहीं होता, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10 और इसमें 11, ठीक। और कॉमा की बात आए तो इसमें कॉमा जो है वो सभी में देखिए 3, 3, 3, 3, यानी कि इसमें कॉमा जो चलता है वो 3, 3 नंबर्स के बाद चलता है। एक एग्जांपल करेंगे, उससे थोड़ा और क्लियर होगा आपको। कोई भी एक नंबर ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें कॉमा लगाना शुरू कीजिए, याद रहे कॉमा हमेशा पीछे से लगाते हैं, 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगाइए इसमें, ये हमने लगाया, ठीक। 3-3 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगा लिया। अब हम देखेंगे सबसे पहला जो हमारा नंबर्स है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा 98 लिखा हुआ है, तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे, 98 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात आती है, आप पूछोगे कि सर इसके आगे हम इनमें से क्या लिखें, तो हम क्या करेंगे, डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 डिजिट किस में आ रहे हैं, बिलियन में, तो इसका आगे क्या लिख देंगे हम, बिलियन। हमने यहाँ बिलियन की, यानी कि यहाँ तक का हमारा इस कॉमा तक का काम हो गया। अगले में क्या लिखा हुआ है, 725, आप इसे ऐसे ही लिख दो, 725। अब इसके आगे हम लिखेंगे क्या, डिजिट गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट किसमें, मिलियन में। इसके आगे हम लिख देंगे मिलियन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर पहुंच जाएंगे, ये कितना लिखा हुआ है, 762, तो इसे हम लिख देंगे 762। अब वही चीज हम गिनेंगे डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट कितने, 1000 में, इसके आगे हम 1000 लिख देंगे। और जब आप गिन के 3 डिजिट बचे तो उसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एज इट इज लिख देंगे आप, कितना लिखा हुआ है, 100, 156, ये आपका हुआ आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आपने जाना इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में
हम नंबर नेम कैसे लिखते हैं, मैं इसमें एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं इसका वर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सेंड करूँगा, सभी लोग उसे कर करके देखें। अगर कोई क्वेरी या प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछें। थैंक यू।